अक्सर ये लोग पूछते हैं कि भगवद गीता तो 5,000 साल पहले बोली गई थी, तो अब क्या रेलेवेंट है या नहीं? आज 5,000 साल बाद आज के मॉडर्न युग में भगवद गीता एप्लीकेबल है या नहीं? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत एप्लीकेबल क्वेश्चन है, क्योंकि लोग सोचते हैं भगवद गीता तो 5,000 साल पहले की बातें थी, अब तो ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सो ये क्वेश्चन पूछने वालों को शायद ये नहीं पता कि भगवद गीता है क्या। वो ये पूछ रहे हैं भगवद गीता एप्लीकेबल है या नहीं, रेलेवेंट है या नहीं, मगर ये उनको नहीं पता कि भगवद गीता का मैसेज क्या है, तभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई जैसे उदाहरण के लिए पहले 5,000 साल पहले मकान बनाने की टेक्निक्स थी, वो इरेलीवेंट है, आज एप्लीकेबल ही नहीं है, अलग तरीके से मकान बनते हैं। पहले ज़माने में कपड़े पहनने की टेक्निक्स अलग थी, अलग तरह का फैशन था, आज बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। 5,000 साल पहले पता नहीं क्या कपड़े पहनते थे, अब अलग फैशन आ गए हैं। तो कपड़ा और मकान, इनकी तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं टाइम के साथ। रोटी भी, पहले ज़माने में रोटा खाते होंगे, पता नहीं क्या खाते होंगे, अब 1,000 डिशेज़ आ गई हैं, लोगों ने इन्वेंट कर ली हैं, सब खाते हैं, इंटरनेशनल हो गया, बाहर से भी डिशेज़ इंडिया में आ गई हैं। तो रोटी कपड़े मकान की बात करती अगर गीता तो रेलेवेंट है ही नहीं, मगर रोटी कपड़े मकान की बात ही नहीं है गीता में। गीता में तो बात है जो हमेशा से इंसान के लिए जीवन में एप्लीकेबल है, क्योंकि गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। गीता में सिखाया है सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, और अपने एक्शंस कैसे करने, वो तो रेलेवेंट है हर जगह। 5,000 साल 10,000 साल अनंत काल तक रेलेवेंट है। सोचना कैसे है, मन संतुष्ट होना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो क्या 5,000 साल पहले संतुष्ट हो, अब संतुष्ट नहीं होंगे क्या? संतुष्टि तो ज़रूरी है। बोलना कैसे, सत्यम प्रियम हितम वाक्यम, सत्य बोलो प्रिय बोलो, सब लोग ऑनेस्टी की बात करते हैं, ट्रूथफुल की बात कर रहे हैं, अभी भी रेलेवेंट है। और अगर आप काम करने की एक्शंस की बात करो तो भगवद गीता में लिख रहे हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, गुरु की रिस्पेक्ट करो, तो वो आज भी रेलेवेंट है। तो भगवद गीता तो मनुष्य के चरित्र पर बात कर रही है, और चरित्र अगर 5,000 साल पहले भी अच्छा रखना था तो अभी भी अच्छा रखना है, आगे भी अच्छा रखना है 10,000 साल बाद। हाँ, वो बात अलग है कि आप अपने चरित्र को ख़राब कर लो समाज को देख के, वो बात अलग है, मगर गीता हमें सिखा रही है चरित्र कैसा होना चाहिए, कि हमारा मन संतुष्ट शांत और खुश हो, वो पहले भी है, आज भी है, 1,00,000 साल बाद भी उतने एप्लीकेबल है। और दूसरी बात भगवद गीता में लिखा है, भक्ति की बात बताइए, वो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान कौन है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है? अभी 5,000 साल बाद भगवान बदल तो नहीं गए, उनकी जॉब तो कोई चेंज नहीं हो गई, या भक्ति करने का तरीका तो नहीं बदला। पहले हम 5,000 साल पहले घंटी बजाते थे, अब के हारमोनियम बजा, अब के मतलब गिटार बजाते हैं, नहीं, पहले भी 5,000 साल पहले भी मंदिर थे, अब तो इतने सारे एक्सकेवेशंस हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जिसमें खजुराहो के मंदिर मिले हैं, द्वारका मंदिर मिला है 5,000 साल पुराना, उसके अंदर घंटियाँ हैं, बेल्स हैं, सब सेम चीज़ होती थी। कई सेक्रीफाइसेस, कई ऐसे बाहर के कल्चर में भी, क्रिश्चियनिटी में, ग्रीक कल्चर में लोग पूजा करते थे, वो 5,000 साल से ऐसे भी पहले, नियंडरथल मैन जब थे 20,000 साल पहले, लोग तब भी आग जलाते थे और अपने फेस्टिवल्स मनाते थे, उसमें फूल चढ़ाते थे, उसमें घंटियां बजाते थे, सेम चीज़ चल रही है। क्योंकि भगवद गीता भगवान और भक्ति की बात कर रही है, चरित्र की बात कर रही है, इसलिए भगवद गीता हमेशा के लिए रेलेवेंट है, और आगे, पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी रहेगी। हरे कृष्ण।